नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, एक वस्तु का वेग t1 समय पर v1 है, किसी क्षण t1 पे उसका वेग है v1, यहां पे लिख लेते हैं t1 समय पे उसका वेग है v1, तथा t2 समय पे उसका वेग है v2, किसी t2 समय पे उसका वेग है v2, तथा t3 समय पे उसका वेग है v3, मान लो कोई समय t3 है जहां पे उसका वेग है v3, है ना, किसी क्षण पे, तो v1 v2 v3 तथा t1 t2 t3 के बीच संबंध बताएं यदि उस वस्तु का त्वरण नियत है, वस्तु नियत त्वरण से गति कर रहा है। बेटा ये सवाल AIEEE इंजीनियरिंग का एक पेपर होता है, उसमें पूछा गया सवाल है, ये काइनेमेटिक्स के मॉड्यूल में लास्ट ईयर के पूछे हुए सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। t1 समय पे वेग है v1, t2 समय पे वेग है v2, t3 समय पे वेग है v3, अपने से क्या पूछा है, त्वरण पूछा है साहब, कैसे निकालेंगे त्वरण, त्वरण बराबर होता क्या बताना, तो वेग में परिवर्तन बटा लिया गया कुल समय। तो यहां से देखो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, यहां से यहां तक देखा जाए तो कितना हुआ है, v2 माइनस v1 हुआ है, कुल v2 माइनस v1 हुआ है, यहां पे समय t2 है, यहां पे समय t1 है, तो समय अंतराल कितना हुआ, t2 माइनस t1, समय अंतराल कितना हुआ, t2 माइनस t1 बराबर बराबर t3 समय पे उसका वेग v3 है, t3 समय पे उसका वेग क्या है, v3 है। तो यहां पे देखो v3 वेग है माइनस v2, वेग में परिवर्तन हुआ v3 माइनस v2, बटा लिया गया समय क्या होगा, t3 माइनस t2, बटा लिया गया समय क्या हो गया, t3 माइनस t2। अब यहां पे अगर आपको रिलेशन निकालना है तो ये हो गया रिलेशन, v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2। ये रिलेशन आ गया सिंपल सा, कोई खास बात इसमें नहीं है। देखो t1 समय पर वेग है v1, तो किसी क्षण t1 पे उसका वेग था v1 और किसी समय t2 पे उसका वेग है v2, तो कुल वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v2 माइनस v1 बटा लिया गया समय कितना है, t2 माइनस t1। यहां पे at t1 है, किसी क्षण t1 पे, अभी t1 पे और फिर ये t2 पे, तो अंतराल कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, t2 माइनस t1 और ये कितना हो गया, t3 माइनस t2। तो ये आ गया रिलेशन, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा नीचे सवाल देखिए, यदि वस्तु का वेग v1 है t1 समय तक, वस्तु लगातार v1 वेग से चल रहा है t1 समय तक, तथा फिर v2 वेग से चल रहा है t2 समय तक, तो त्वरण बताए कितना होगा, तो त्वरण हो जाएगा तुम्हारा वेग में परिवर्तन, तो वेग हो गया v3 माइनस v2 बटा लिया गया समय, वेग परिवर्तित करने में कितना लगा है, तो ये लगा है t1 प्लस t2। कैसे, देखो v1 है t1 समय तक और ये था t1 समय पर, t1 समय पर मतलब अभी v1 है, थोड़ी देर बाद कुछ समय के बाद t2 पे v2 हो गया है और ये कह रहा है t1 समय तक, लगातार t1 समय तक v1 से चला है, फिर t2 समय तक v2 से चला है, तो ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, t1 समय पर नहीं है, पर नहीं है, क्षण पे नहीं है, तक है, तक t2 समय तक, मैं बोलूं 4 घंटे तक, तूने 4 घंटे तक पढ़ाई किया है कि 4 बजे पढ़ाई किया है, बस समझ में आया कि नहीं आया, तो 4 घंटे तक एक अंतराल है, यहां पे t2 समय तक, तो t2 समय तक उसका वेग है v2, तो कुल समय कितना लगा, t1 प्लस t2। तो इस सवाल के लिए जो जवाब आएगा a बराबर v2 माइनस v3 v2 यहां पे गलत लिख लिया अपन ने, इसको सही कर देता हूं, त्वरण बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो सवाल के लैंग्वेज पे ध्यान दे के आप सवाल को सॉल्व करेंगे, t1 समय पर मतलब अभी 4 बजे और t2 समय पर मतलब 6 बजे, तो अंतराल कितना हुआ, 6 माइनस 4 का। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे 4 घंटे तक v1 से चल रहा हो, 6 घंटे तक, तो कुल कितने देर तक चला, 10 घंटे तक। तो जब तक दिया हो तो कुल समय में जोड़ते हैं और जब पर दिया हो तो कुल समय में घटाते हैं। क्लियर है, पॉज करके सवाल को अच्छे से लिखो। आगे देखो बेटा, यदि वस्तु की स्थिति x बराबर α t³ β t² γt + δ है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग, त्वरण तथा स्थिति बताएं। वस्तु का प्रारंभिक वेग, त्वरण तथा स्थिति बताएं। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे दिया हुआ है x बराबर α t³ प्लस β t² प्लस γt + δ, इसको अवकलन कर दो, तो dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, इसको अवकलन करोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें वेग, और ये वेग हो जाएगा आपका अल्फा बाहर होगा t³ का अवकलन होगा 3α t² प्लस बीटा बाहर होगा t² का अवकलन होगा 2t, तो 2β t प्लस गामा, डेल्टा का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो ये वेग आ गया, ठीक है ना, और इस वेग का अवकलन कर दोगे तो त्वरण आ जाएगा, त्वरण dv/dt, त्वरण बताओ क्या होगा, तो 6α t + 2β।
आपसे पूछा क्या है, त्वरण और वेग। अगर सिर्फ त्वरण और वेग पूछता तो ये आंसर आ चुका था, लेकिन आपसे पूछा है प्रारंभिक वेग, त्वरण तथा स्थिति। प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक जब लिखा हो प्रारंभिक तो इसका मतलब होता है आरंभ में, और आरंभ जब ना लिखा हो तो आप t इज इक्वल टू जीरो पे मानेंगे। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग t इज इक्वल टू जीरो पे। देखो बेटा ये वेग है किसी क्षण पर, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे वेग कितना रहा होगा वो मिलेगा समय को जीरो पुट करके। तो वेग के सूत्र में समय को जीरो पुट करो, तो जीरो रखने से ये जीरो और ये जीरो, क्या हो जाएगा गामा मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा त्वरण दिया हुआ है, लेकिन त्वरण आपको किसी क्षण पर नहीं चाहिए, किसी क्षण पे त्वरण ये होगा 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा। लेकिन अगर आप त्वरण निकालना चाहते हो प्रारंभिक, तो टी को जीरो रखोगे, और जैसे टी को जीरो रखोगे तो ये त्वरण आ जाएगा आपका, यहां पे टी को जीरो रखोगे 2 बीटा, तो ये आएगा 2 बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और प्रारंभिक स्थिति अगर आपको देखना है तो ढंग से देखिए, प्रारंभिक स्थिति मतलब स्थिति में समय का मान जीरो रख दोगे। ये जो स्थिति है ना बेटा, ये किसी क्षण पर है, किसी भी टी टाइम पे टी का वैल्यू रख के टी इज इक्वल टू एक सेकंड पे स्थिति देखने के लिए टी को एक रखोगे, टी इज इक्वल टू दो सेकंड पे स्थिति पता करने के लिए टी इज इक्वल टू दो रखेंगे, टी इज इक्वल टू चार सेकंड पे स्थिति देखने के लिए टी इज इक्वल टू चार रखोगे। अब प्रारंभिक टी देखने के लिए क्या रखोगे, तो प्रारंभिक टी देखने के लिए टी इज इक्वल टू जीरो रखोगे, ठीक है ना। प्रारंभिक स्थिति देखने के लिए टी इज इक्वल टू जीरो रखोगे, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जब जीरो रखोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आ जाएगा डेल्टा मीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से इसको पॉज करके लिखिए। आगे देखिए बेटा, यदि x बराबर t का घात 3 माइनस 12 t स्क्वायर प्लस 6, ये किसी t समय पे वस्तु का क्या दिया हुआ स्थिति, यदि किसी वस्तु का स्थिति t समय पे ये है तो वस्तु का त्वरण तथा वेग, त्वरण तथा वेग t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताएं। तो देखो बेटा x समय के फलन में दिया हुआ है, यदि इसी x का अवकलन कर देंगे तो मुझे वेग मिलेगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 6 का अवकलन जीरो, ये वेग आ गया है। इस वेग का अवकलन करेंगे तो त्वरण मिलेगा dv by dt इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा 6t माइनस 24, 6t माइनस 24 आपका आ गया है त्वरण। लेकिन ये त्वरण कब का है, तो ये त्वरण है किसी t समय का, ये त्वरण कब का है किसी t समय का, ठीक है। ये वेग कब का है, ये वेग भी किसी t समय का है, लेकिन हमें कब का वेग चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेग चाहिए। तो यहां पे वेग के सूत्र में t बराबर क्या रख देंगे अपन 2, जैसे ही वेग के सूत्र में t बराबर 2 रखेंगे, यहां पे t बराबर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 24 इंटू 2, तो 4 तिहाई 12 और ये 48, तो ये बनेगा 12 माइनस 48, तो 12 माइनस 48 हो जाएगा आपका माइनस 36, माइनस 36 मीटर पर सेकंड। अब त्वरण अगर आप देखते हैं, कब देखते हैं त्वरण, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो त्वरण किसी क्षण पर ये होगा। अगर प्रारंभिक त्वरण देखना हो तो t को 0 रखेंगे, 1 सेकंड पे देखना हो तो t को 1 रखेंगे, 2 सेकंड पे देखना हो तो t को 2 रखेंगे, यहां पे 2 सेकंड पे देखना हो तो t को 2 रखेंगे, t को 2 रखेंगे तो बताओ क्या होगा 12 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा है सवाल, एकदम बेसिक और फंडामेंटल सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति x बराबर t क्यूब माइनस 6tx स्क्वायर प्लस 16 है, तो वस्तु का विस्थापन बताएं जब वेग अधिकतम होगा। यह सवाल AIPMT का है, वस्तु का विस्थापन बताएं, विस्थापन पूछ रहा है, स्थिति दिया हुआ है, तो स्थिति में परिवर्तन को ही तो विस्थापन कहते हैं साहब, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं विस्थापन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे विस्थापन पूछ रहा है, लेकिन विस्थापन पूछ कब रहा है जब वेग अधिकतम होगा। तो देखो सबसे पहले इसको अवकलन करके वेग निकालो, तो वेग बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये आ गया वेग। और वेग अधिकतम होता कब है, वेग अधिकतम या न्यूनतम तभी होता है जब वेग का अवकलन शून्य हो, कोई भी चीज अधिकतम और न्यूनतम तभी होता है जब उसका अवकलन शून्य हो। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 12, 3 दुना 6 60 माइनस 12, इसका अवकलन को क्या रखेंगे कहां जीरो के बराबर रखेंगे। तो यहां से जब देखें आप 60 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा 60 बराबर 12, तो t बराबर 2 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होने वाला है, वेग अधिकतम हो रहा है, न्यूनतम भी तो हो सकता है, न्यूनतम ही तो हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, ये तुमसे बोला है कि जब वेग अधिकतम है तो त्वरण बताओ, और इसका जहां पे ढाल शून्य होता है वहीं पे अधिकतम या मिनिमम होगा, और एक ही जगह पे ढाल शून्य हो रहा है 2 सेकंड पे, मतलब या तो अधिकतम है या तो मिनिमम है, और सवाल में अधिकतम या तो अधिकतम ही होगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मेरी लॉजिक सुनना,
कई बच्चे इसको चेक करते, चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनना। ये बोल रहा है कि जब वेग अधिकतम हो तो त्वरण बताओ, और अधिकतम या न्यूनतम तभी होता है जब ढाल जीरो होता है। ढाल कितनी जगह पे जीरो है? मान लो ढाल दो तीन जगह पे जीरो है तो कहीं मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, लेकिन ढाल एक ही जगह पे जीरो है मतलब वहां पे या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा ही होगा। सवाल में मैक्सिमा दिया तो मैक्सिमा ही होगा ना भाई, बस मैक्सिमा होगा, बात खत्म। क्या मैक्सिमा होगा? तो जिसका अवकलन जीरो किया था वो मैक्सिमा होगा। किसका अवकलन जीरो किया था? वेग का अवकलन जीरो किया था, मतलब वेग का अवकलन जीरो कर दिया मतलब वेग मैक्सिमा होगा। कहां पे? दो सेकंड पे, मतलब दो सेकंड में वेग मैक्सिमम पता चल गया। और आपसे क्या पूछा? विस्थापन बताओ जब वेग अधिकतम है। तो विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक मतलब t इक्वल टू जीरो, कोई खास बात नहीं है। अंतिम मतलब t इक्वल टू दो सेकंड पे देखना था। अब t को इसमें दो रखो तो दो का क्यूब आठ, क्लियर है, माइनस छ, दो का क्यूब चार, तो छह चौका क्या हो जाएगा? ये चौबीस, माइनस चौबीस प्लस सोलह, क्या ये माइनस चौबीस प्लस सोलह, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आठ, माइनस आठ और माइनस आठ और उधर दो का क्यूब आठ प्लस आठ, तो ये हो गया जीरो। हाँ जीरो आ रहा है, स्थिति जीरो रहा होगा t इक्वल टू दो सेकंड पे, और t इक्वल टू जीरो सेकंड पे यहां पे देखेंगे तो ये आएगा सोलह, तो माइनस सोलह, तो विस्थापन हो जाएगा आपका माइनस सोलह मीटर। आंसर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कोई खास बात नहीं है, कंसेप्ट समझना, हमें निकालना तो विस्थापन ही था। और विस्थापन होता है स्थिति में परिवर्तन, तो हमें करना तो स्थिति में परिवर्तन ही था, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान से देखना था कि वो स्थिति में का जो परिवर्तन लेना है वो कौन से दो समय पर लेना है। तो प्रारंभिक समय पर लेना है एक तो, और वो समय पर लेना है जहां पर वेग अधिकतम है, और वेग अधिकतम कहां पर आ रहा है? दो सेकेंड। क्या खास समझ आया ये बात? इसको लिख लीजिए, लिख लिया क्या आपने? अब आगे देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी क्यू प्लस फोर है तो त्वरण बताएं जब वेग शून्य है। अब मेरी बात सुनना ढंग से, ये सवाल जो पूछ रहा है ना, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड पूछ रहा है। तुम्हें स्थिति दिया हुआ है, एक बार स्थिति को अवकलन करोगे तो तुम्हें वेग आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एक बार अवकलन करने पे वेग आ जाता है, तो v बराबर हो जाएगा 2t माइनस 9t स्क्वायर 4 का अवकलन 0, ये वेग है। अब इस वेग को अवकलन करेंगे तो त्वरण हो जाएगा, तो इसको अवकलन करो तो ये होगा 2, 2t का अवकलन 2 माइनस 18t, ठीक है ना, तो वेग भी आ गया त्वरण भी आ गया। तुमसे पूछा गया त्वरण, तो ये आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। पूछा तो है त्वरण, लेकिन किसी टी समय पे नहीं पूछा है। अगर सिर्फ पूछता कि त्वरण बताएं, ये कुछ नहीं दिया होता तो ये आंसर आ गया था, लेकिन पूछ रहा है कि त्वरण बताएं जब वेग शून्य है, त्वरण तभी बताएं जब वेग शून्य है, वेग ये रहा, तो वेग को जीरो रख के चेक करना पड़ेगा कि कहां पे कौन से समय पे वेग शून्य हो रहा है 90 स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती याद रखना कि वो कहते हैं ये जीरो है तो माइनस 90 स्क्वायर को इधर ले आओ, तो लिखते हैं कि 2t बराबर 90 स्क्वायर, t से t कैंसिल कर देते हैं, t बराबर हो जाता है 2 बटा 9, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये सर क्यों गलत है? ये तो हमने किया है, नहीं किया, गलत है। देखो इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले यहां से तुम 2t कॉमन निकालो, तो जब ये तो सही किया ना, 3t स्क्वायर सही है, तो 9t स्क्वायर ही आएगा, तो यहां से 2t कॉमन निकालो बेटा। ये ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन इधर जीरो करो या इधर जीरो करो, बात एक ही है, तो यहां से 2t कॉमन निकालो, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस t, तो बाहर गया तो 1t बचेगा, 9 तो है नहीं, 2 बाहर निकाला है, 2 इसमें है नहीं तो 2 से भाग दे दो, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब समझना, 2t बराबर 0 है, ये बराबर भी 0 है, तो एक आ जाएगा t बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा t बराबर 2 बाई 9। देखो जब इसको 0 रखोगे तो t बराबर 2 बाई 9, तो एक ही समय पर वेग शून्य है कि दो समय ऐसे आ रहे हैं? ऐसा दो समय आ रहा है, कौन कौन सा? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 बटा 9 सेकेंड, मतलब दो ऐसा समय है जहां पे वेग शून्य है, और तुम्हें बताना है त्वरण जब वेग शून्य है, तो वेग कहां शून्य है? दो बार वेग शून्य है, तो दो त्वरण आएगा। एक त्वरण तब आएगा जब यहां पे टाइम को रखोगे जीरो, टाइम को जीरो रखोगे तो त्वरण आएगा तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक त्वरण तब आएगा जब टाइम को रखोगे तुम 2 बाई 9, तो यह होगा 2 माइनस 18 2 बाई 9 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 2 माइनस 4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दो आंसर आया, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों त्वरण ऐसा त्वरण है जब वेग शून्य था। सर जब वेग शून्य था तो दो त्वरण क्यों आया? क्योंकि दो बार वेग शून्य था। देखो ना यहाँ पे वेग को जीरो रखा मैंने,
इस बेग को क्या रखा मैंने, जीरो। बेग को जीरो रख के क्वाड्रेटिक बनाया, तो दो बार ऐसे समय आए हैं जहां पे बेग शून्य है। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, और सवाल से अच्छा है इसका सॉल्यूशन। देखिए माइनस दो प्लस दो, तो सवाल में क्या होगा कि ऑप्शन दिया होता है तुम्हारा प्लस दो, ऑप्शन बी माइनस दो, ऑप्शन सी चार, डी बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। तो बच्चा निकालता है माइनस दो और ये टिक कर देता है, जबकि जवाब होता है बोथ ए एंड बी। क्लियर है, समझ आया, पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग v इज इक्वल टू बीटा एक्स टू दी पावर 2n है, बीटा एक्स टू दी पावर क्या गिवन है 2n, तो वस्तु का त्वरण बताएं। ये AIPMT 2015 का सवाल है, एग्जैक्टली 2015 में यही सवाल पूछा था। उन्होंने बोला था v इज इक्वल टू बीटा एक्स टू दी पावर माइनस 2n है, मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का। तो क्या मैं v इज इक्वल टू dx बाई dt रखूंगा तो सॉल्व होगा, नहीं होगा सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, हमें लिखना पड़ेगा सॉरी a बराबर डी वी बाई डी टी से सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं होगा सॉल्व। हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी तो अपने को पता है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी एक्स तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से v का आपकलन करोगे x के सापेक्ष, तो डी वी बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा बीटा बाहर होगा और x टू दी पावर माइनस 2n है, तो माइनस 2n को बाहर निकालो, क्योंकि जब आप अवकलन करते हैं तो जो घात होता है उसको बाहर रख लेते हैं और x का जो भी घात होता है उसको एक से घटा देते हैं, तो माइनस वेट कर देते। क्लियर है क्या ये बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें त्वरण लिखना है, तो त्वरण के सूत्र में है देखो v, तो v ये रहा बीटा x का पावर माइनस 2n एज इट इज v को लिख दिया इंटू dv by dx, तो dv by dx ये निकाला मैंने, नियत बाहर और जो भी x का घात था वो बाहर आ गया माइनस 2n और घात को एक से घटा दिया, तो x का पावर 2n माइनस 1। तो यहां पे लिखेंगे आप बीटा 2n था तो ऐसे लिख लो माइनस 2n बीटा, देखो मल्टीप्लाई में है ना, x का घात माइनस 2n माइनस 1। क्लियर है क्या ये बात। अब हमें लिखना है इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा समझिएगा, इसका आंसर होगा आपका देखिए बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2n, तो ये होगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स का पावर माइनस 2n माइनस 2n माइनस 2, तो माइनस 2n और माइनस 2n, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो माइनस 2n माइनस 2n क्या होगा माइनस 4n माइनस 2, ये हो सॉरी माइनस 4n माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका त्वरण, ये त्वरण आ गया। देखिए क्या है माइनस 2n बीटा स्क्वायर माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स का पावर माइनस, देखो 2n 2n माइनस में, तो माइनस 2n माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1, ये आएगा तुम्हारा त्वरण का जवाब। क्लियर है क्या ये बात। आगे देखो, ये भी AIEEE का पूछा हुआ सवाल है, उसने दिया था कि एक वस्तु का स्थिति x बराबर e का घात अल्फा t प्लस e का घात माइनस बीटा t है, तो समय के साथ वेग का संबंध बताएं। तो वेग जस्ट होता है इसका अवकलन dx / dt, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो समझिएगा प्लीज, e का घात अल्फा t, e का घात t का अवकलन होता है e का घात t, e के घात x का अवकलन होता है e का घात x, e के घात कुछ का अवकलन होगा e का घात कुछ, तो e का घात एज इट इज अल्फा t हो जाएगा, और फिर अल्फा t का अवकलन करेंगे तो अल्फा बाहर आएगा, प्लस e का घात माइनस बीटा t, t यहाँ पे है, तो e का घात माइनस बीटा t का अवकलन होगा e का घात माइनस बीटा t, और फिर माइनस बीटा t का अवकलन करेंगे तो माइनस बीटा बाहर आएगा, ये आएगा तेरा माइनस बीटा। तो जो यहां से आपका बेग आया है, बेग देखिए क्या है, बेग बराबर है अल्फा ई का घात अल्फा टी माइनस बीटा ई का घात माइनस बीटा टी, ये आया आपका जवाब। अब यहां से देखिए, मैं यदि देखूं समय के साथ फंक्शन में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है समय, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये वाला पूरा टर्म बढ़ेगा, ठीक है ना, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये एक्सपोनेंशियल डी के, तो ये घटेगा और सब्ट्रैक्शन का पार्ट घट रहा है, जो घटाने वाला था वो खुद घट रहा है, तो ओवरऑल वेग क्या होगा, वेग हमेशा बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा। अब कई बच्चों को ये नहीं आता समझ, एक बात सुनना, मान लो कि वाई बराबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 8 माइनस एक्स है ना, और एक्स धीरे धीरे कम हो रहा है, x की वजह से y क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब 8 में से x घटाऊंगा तो y मिलेगा, अब घटने वाला टर्म धीरे धीरे घटता जा रहा है मतलब y बढ़ेगा,
अब नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाता हूँ। एक्स का मान लो चार रखा तुमने, तो आठ माइनस चार क्या आएगा? चार। और फिर एक्स का मान घटा के तुमने तीन रखा, तो आठ माइनस तीन क्या आएगा? पांच। फिर एक्स का मान घटा के तुमने दो रखा, तो आठ माइनस दो क्या आएगा? छह। तो जैसे जैसे एक्स घटेगा, एक्स का मान घटता जाएगा और ये घटाव हो रहा है आठ से, तो घटने वाला टर्म्स अगर घट जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। या दूसरे तरीके से समझ सकते हो तो समझना, जैसे जैसे टाइम को बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा, लेकिन ये टाइम के बढ़ाने से घटेगा और ये माइनस में घट रहा है, तो माइनस में घटने को पूरा टर्म को क्या करेंगे? बढ़ना। ये निगेटिव में घट गया ना भाई, ये पॉजिटिव था और ये माइनस था, माइनस वाला टर्म कम होता जा रहा है, मतलब ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो वेग हमेशा समय के साथ बढ़ेगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल हो गया, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यदि वस्तु का स्थिति x बराबर 4t³ - 4t^4+12, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है, समझिएगा। एक वस्तु की स्थिति x बराबर 4t³ - t^4+12 है, तो वेग बताएं जब त्वरण अधिकतम होगा। क्या बताएं? वेग बताएं जब त्वरण अधिकतम होगा। तो x को अवकलन करके पहले वेग निकालो, तो इसका अवकलन करोगे तो ये होगा 4t²-4t³+12, ये आ गया तुम्हारा वेग। अब इसको एक बार और अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा त्वरण। त्वरण क्या आएगा? 12 × 2 = 24t - 12t², ये आ गया, ठीक है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया आपका वेग और ये आ गया आपका त्वरण। तो आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं। आपसे पूछा है वेग बताएं, तो ये रहा वेग, लेकिन ये वेग किसी टी समय का है, वो भी बोल रहे तब वेग बताओ जब त्वरण अधिकतम है। अरे भाई, त्वरण अधिकतम कब होता है? तो कोई भी चीज अधिकतम तभी होता है, त्वरण हो, वेग हो, विस्थापन हो, विद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, तीव्रता हो, कुछ भी हो, वो अधिकतम तभी होगा जब उसका अवकलन जीरो। तो dA/dt जहां जीरो होगा वहीं पे त्वरण अधिकतम होगा। तो ये रहा ए, इसको अवकलन करो तो ये आएगा तेरा 24 - 24t। इसको जीरो रखोगे तो t बराबर आ जाएगा 1 सेकेंड। तो एग्जैक्टली 1 सेकेंड पे त्वरण अधिकतम है। और अगर 1 सेकेंड पे त्वरण अधिकतम है, देखो यहाँ पे, सॉरी t = 1 सेकेंड पे, बिल्कुल सही है, 1 सेकेंड पर त्वरण अधिकतम है। त्वरण अधिकतम है मतलब मुझे पता चला कि त्वरण कौन सा समय पर अधिकतम है, 1 सेकेंड पे, बात खत्म। अब मुझे जब त्वरण अधिकतम था उसी क्षण पर वेग क्या था, तो t = 1 सेकेंड पर वेग क्या था, ये रहा वेग। v के फॉर्मूले में t को 1 रखोगे तो आएगा 12 - 4+12, 12 से 12 कैंसिल होगा, -4 m/s आंसर आ जाएगा, ये रहा जवाब। पल्ले पड़ा कि गया सब, कुछ तो समझ आया होगा। अब देख, वेग बताएं जब त्वरण शून्य है, ये क्या बोल रहे हैं? वेग बताएं जब त्वरण शून्य है, तो वेग तो यही है, लेकिन त्वरण जब शून्य है तब, तो त्वरण तुम्हारा कैलकुलेट करके आया था 24t - 12t². इसको जीरो रखोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम एक काम करो, 12t को कॉमन निकालो, तो 12t को कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 12t जाएगा तो यहाँ पे बचेगा t = 0, मतलब 12t = 0, तो t = 0, और 2 - t = 0 मतलब t = 2। तो दो ऐसे समय हैं जब त्वरण जीरो है, कब कब? t = 0 पे और t = 2 पे। तो t = 0 पे वेग देखोगे तो वेग के सूत्र में t को 0 रखोगे, वेग के सूत्र में जब t को 0 रखोगे तो ये 0, ये 0, ये आ जाएगा आपका 12, तो आएगा आपका 12 m/s। और जब 2 रखोगे तो यहाँ पे जब 2 रखोगे तो वेग आ जाएगा t = 2, रख के सॉल्व कर लोगे कोई खास बात नहीं है, 2 होल स्क्वायर 4, तो 12 × 48, ये आएगा 48। और यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 घात 3 आएगा 8, 8 × 32, तो ये होगा -32 + 12, ठीक है। तो 48 और 12 कितना हो जाएगा? 48 और 12 हो जाएगा 60, 60 में से 32 जाएगा तो 28 m/s। अब समझना, तो बोलो सर ये पूरा सवाल का सॉल्यूशन है क्या? नहीं, ये पूरा सवाल का सॉल्यूशन थोड़ी ना भाई, ये तो सवाल ही कई हिस्सों में बटा है। ये सवाल दो हिस्सों में बटा है, पहले है कि यदि स्थिति समय के फलन में दिया हुआ है तो वेग बताएं जब त्वरण अधिकतम हो, तो मुझे एग्जैक्टली वेग का मान बताना है और उसी क्षण पे बताना है जब त्वरण अधिकतम होगा। सिंपल सी बात है, वेग बताओ तो वेग अवकलन करने से आ जाएगा, लेकिन वेग t के फलन में आया, वेग t के फलन में आया, मुझे बताना है वेग उस क्षण पर जब त्वरण अधिकतम है, तो मुझे पता करना पड़ेगा ना कि त्वरण कब अधिकतम है। तो त्वरण निकाल के त्वरण को जीरो रख दिया, बस एक समय आया जब त्वरण अधिकतम हो रहा है, वो समय था आपका 1 सेकेंड।
तो एक सेकेंड पे चूंकि त्वरण अधिकतम है तो वेग के सूत्र में टी का मान एक रख दिया, तो वहां से आपको वेग आया माइनस चार मीटर पर सेकेंड जब त्वरण अधिकतम था। फिर इस सवाल का दूसरा हिस्सा वेग ही बताए जब त्वरण शून्य है, तो त्वरण शून्य है तो ए को हमने रख दिया जीरो, और जब समय देखा तो दो ऐसे समय आ रहे हैं जहां पे त्वरण जीरो है, जीरो सेकेंड और दो सेकेंड, मतलब वेग दो बार होगा जब त्वरण शून्य है, क्योंकि त्वरण शून्य कितनी बार हो रहा है, दो बार, त्वरण शून्य दो बार हो रहा है, तो जब जब त्वरण शून्य है तब तक वेग आएगा, तो एक बार वेग था 12 और एक बार वेग था 28। पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यदि v बराबर टी ई का घात टी है, टी इंटू ई का घात टी है, तो त्वरण बताएं क्या होगा। अब जानते हैं त्वरण बराबर होता है डीवी बाई डीटी, जब टी का फलन होगा तो डीवी बाई डीटी करेंगे, जब एक्स का फलन होगा, वेग एक्स का फलन होगा, तो वी इंटू डीवी बाई डीएक्स करेंगे। ये बात आपको समझ आता है, तो यहां पे सिर्फ इसका अवकलन करना है, लेकिन यहां पे आप देखिएगा तो ये टी इंटू ई का घात टी है, मतलब टी का दो फलन है, एक टी और ई का घात में भी टी है, तो इसको गुना के नियम से अवकलन करेंगे। तो एक बार जब टी का टी स्क्वायर ले लेता हूं, थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा, तो जब मैं इसको अवकलन करूंगा टी स्क्वायर को, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो ई का घाट टी एज इट इज बाहर आएगा, जब टी स्क्वायर बाहर रहेगा तो ई का घाट टी का अवकलन करूंगा, तो टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा आपका 2TE का घाट टी प्लस टी स्क्वायर एज इट इज बाहर आएगा, ई के घाट टी का अवकलन ई का घाट टी होता है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है कि वेग यदि टी का फलन में हो तो डीवी बाई डी टी त्वरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अवकलन का एक बढ़िया कंसेप्ट यूज हो रहा था, क्योंकि टी स्क्वायर ई का घाट टी था, तो इसको अवकलन गुना के नियम से अवकलन किया, कोई खास बात नहीं। आगे देखिए, यदि त्वरण बराबर 2t है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यदि त्वरण बराबर 2t है तथा प्रारंभिक वेग शून्य है, मतलब यह है कि t इज इक्वल टू जीरो पे जो वेग था वो है जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे जो वेग है वो है आपका जीरो, ठीक है सर, a बराबर 2t दिया हुआ है, तो यह नियत त्वरण है कि परिवर्तित, तो त्वरण टी पे निर्भर कर रहा है, मतलब परिवर्तित त्वरण है, तो इसमें वेग निकालना हो या विस्थापन निकालना हो आपको अवकलन ही करना पड़ेगा। तो देखिए, ए को मैं लिख लेता हूं एक बार डीवी बाई डीटी, क्यों भाई, क्योंकि त्वरण से सीधा विस्थापन पे नहीं जा सकते, त्वरण से पहले वेग पे आते, एक स्टेप पीछे जाते हैं, जैसे विस्थापन वेग त्वरण, त्वरण वेग विस्थापन, तो त्वरण से विस्थापन निकालने का मतलब वेग से होते हुए आओगे ना, तो ए को डीवी बाई डीटी लिखो, ए को हटाओ, और इधर है बेटा 2t, इस dt को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा dv बराबर 2t इंटू dt। अभी से पहले तक, इस सवाल से पहले तक जितने भी हमने सवाल किए थे 8-10, वो अवकलन पे बेस्ड थे, अब समाकलन वाले भी सवाल करेंगे, अभी हम आगे जा रहे थे, सारे सवाल में देख लेना x दिया हुआ था और वेग दिया हुआ था, उस पे आगे गए थे, अब त्वरण देके पीछे लाऊंगा, पीछे लाने में समाकलन, आगे जाने में अवकलन, x बताओ वेग निकालने के लिए अवकलन, वेग बताओ त्वरण निकालने के लिए अवकलन, वेग बताओ त्वरण बताओ वेग निकालने के लिए समाकलन, वेग बताओ विस्थापन निकालने के लिए समाकलन, विस्थापन बताओ वेग निकालने के लिए अवकलन, वेग बताओ त्वरण निकालने के लिए अवकलन, त्वरण बताओ वेग निकालने के लिए समाकलन, वेग बताओ विस्थापन निकालने के लिए समाकलन, आगे जाने के लिए अवकलन और पीछे आने के लिए समाकलन। देखिए इधर, अब इसका समाकलन करो, तो लोअर लिमिट टी का होगा जीरो, उस समय पे वेग जीरो था, और किसी टी समय पे वेग आप भी मान लीजिए, तो डीवी का अवकलन हो जाएगा आपका भी, सिंपल, क्योंकि डीवी का अवकलन हो जाएगा भी, लोअर लिमिट जीरो से कोई मतलब नहीं, अपर लिमिट भी वी आ जाएगा। अब यहां पे टी इंटू डी टी का समाकलन करें, टू बाहर आएगा, तो टी इंटू डी टी का समाकलन होगा टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा, ये बचेगा टी स्क्वायर, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी, तो ये आ गया तुम्हारा वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब तुम्हें विस्थापन निकालना है, तो डीवी को लिखो डीएक्स बाई डी टी, dv को लिखो dx by dt, क्योंकि होता है dv बराबर dx by dt, k is equal to क्या हो जाएगा t square, dt को उठा के यहां रख दो, तो dx is equal to हो जाएगा तुम्हारा t square into dt। अब इसका क्या कर दोगे, समाकलन, अब क्या कर दोगे बेटा, समाकलन, तो dx का समाकलन तो तुम्हारा हो जाएगा विस्थापन, dx का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन, और कहां से कहां तक निकालना है, जीरो से चार सेकंड तक, तो ये हो जाएगा जीरो से चार सेकंड। तो देखो, स्थिति में परिवर्तन, dx का समाकलन हो जाएगा स्थिति में परिवर्तन, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये तो होता है विस्थापन, मतलब प्रारंभिक अंतिम स्थिति देखने की जरूरत नहीं है। और t स्क्वायर इंटू dt की बात करेंगे, तो इसका समाकलन होगा t का घात 3/3, t का घात 3/3, जीरो रखोगे लोअर लिमिट, प्रारंभिक से चार सेकंड के बीच देखना, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, और जब चार रखोगे तो चार का घात तीन होता है तुम्हारा 64, तो 64/3 मीटर जवाब आ जाएगा, कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे तुम, ठीक है, पॉज करके लिखो, बढ़िया से पॉज करके इसको लिखो, डन। आगे देखो,
यदि v बराबर 3t square minus 2 है, v बराबर क्या दिया हुआ है 3t square minus 2, तो t is equal to 2 सेकंड पे विस्थापन बताया क्या होगा। अब सुनना अच्छे से, वेग दिया हुआ है, विस्थापन निकालना है, मतलब पीछे आना है, तो इस v को लिखोगे तुम dx by dt is equal to 3t square minus 2, dt को उधर ले जाओ तो dx is equal to आ जाएगा 3t square minus 2 into dt। अब इसका समाकलन कर दो, बताओ dx का समाकलन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक होगा, तो dx का समाकलन x, अंतिम स्थिति xf, प्रारंभिक स्थिति xi, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति विस्थापन, तो ये डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, विस्थापन दे देगा। तो ये आ जाएगा विस्थापन बराबर समाकलन कहां से कहां तक, तो जीरो से दो सेकंड के बीच में, तो जीरो से दो रखते की लिमिट, 3t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा आपका t क्यूब, यस t क्यूब, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट दो, तीन बाहर, और t स्क्वायर का समाकलन t का घात तीन बटा तीन, तीन से तीन कटेगा t क्यूब बचेगा, माइनस टू इंटू टी, माइनस टू बाहर, टी टू टी समाकलन हो जाएगा, तो माइनस टू टी, लोअर लिमिट दो अपर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट दो, तो दो रखोगे तो दो का घात तीन आठ आ जाएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, कोई खास बात नहीं, माइनस जीरो पे जीरो आएगा, अपर दो रखोगे तो दो दूना चार माइनस चार, तो आठ माइनस चार बराबर चार मीटर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटा फिर से एक बार चेक कर लो, प्लस माइनस की कोई गलती हो तो वो तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट समझो अच्छे से, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं है। देखो इतना याद रखना, स्थिति से वेग निकालना हो तो अवकलन करना होता है, वेग से स्थिति त्वरण निकालना हो तो अवकलन करना पड़ता है, त्वरण से वेग निकालना त्वरण से वेग निकालना कर रहे हो तो समाकलन करना पड़ता है, वेग से स्थिति निकालना पड़ो तो समाकलन करना पड़ता है। जैसे देखो a बराबर 2t क्यूब दिया हुआ है, ठीक है बेटा की दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर वेग बताएं यदि प्रारंभिक वेग शून्य है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर वेग बताएं यदि प्रारंभिक वेग शून्य है, तो a को या प्रारंभिक वेग शून्य नहीं लेता, चलो प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ा मजा आना चाहिए। अब देखना सवाल का सॉल्यूशन बड़ा कंसेप्चुअल और आसान होता है, इसको देखना, यहां शुरू करता हूं, a बराबर 2t क्यूब दिया हुआ है, तो a को लिख सकता हूं मैं dv / dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2t क्यूब, क्लियर है, dt को उठा के यहां ले जाऊंगा तो dv बराबर बनेगा 2t क्यूब * dt, समाकलन कर दूंगा तो प्रारंभिक वेग 2 है, अंतिम वेग तुम्हारा vf निकालना है, प्रारंभिक समय 0 और अंतिम समय 4 सेकंड पे निकालना है, तो ये लिमिट रखना तुम्हें सीखना पड़ेगा। अवकलन एक क्षण पे होता है तो अवकलन में कोई लिमिट नहीं आता है, लेकिन समाकलन एक अंतराल में होता है तो समाकलन में एक लिमिट आता है। तो देखो t is equal to 0 पे देखो प्रारंभिक वेग 2 है, तो इधर टाइम का समय जब 0 रखूंगा तो वेग 2 होगा, फाइनल वेग vf होगा, तो फाइनल समय 4 सेकंड पे तुम्हें वेग चाहिए, ठीक है, तो t क्यूब का समाकलन हो जाएगा t का घात 4 बटा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into t का घात 4 बटा 4, लिमिट रखोगे 0 से 4 तक। अब बहुत आसान हो गया ये, सबसे पहले 2 4 बाहर आ जाएगा तो ये 1 बटा 2 आ जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, और अपर लिमिट 4 रखो तो 4 का घात 4, ये क्या होगा 4 का घात 4, और t के जगह पे 0 रखोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो 4 का घात 4 हो जाएगा तुम्हारा 256, जैसे 4 गुना 4 हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 4 क्या हो जाएगा 64, और 64 गुना 4 हो जाएगा 256, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 256 बटा 2, ठीक है, इधर आएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, डीवी का समाकलन भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो इसका जो आंसर होगा मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया बेटा, मैनेज कर लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखना डीवी का वैल्यू समाकलन होगा वी अपर लिमिट वी एफ लोअर लिमिट 2, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस 2 बराबर 123, 256 बटा 2 क्या होगा 123, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा बेटा 125 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई खास बात नहीं है, त्वरण दिया हुआ है, वेग निकालने के लिए क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो t का घात 4 आया यहाँ पे, 4 रखो तो 4 का घात जो 4 होगा ना, जैसे 0 रखो तो 0 आएगा, अपर लिमिट 4 रखो तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 4, 4 का घात 4 क्या हो जाएगा 4 का घात 4 हो जाएगा, 4 को 4 बार 4 से गुना करो तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 256 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 4 बाहर आएगा तो 2 बटा 4 1 बटा 2 होगा, 2 बटा 4 1 बटा 2 होगा, तो 256 बटा 2, तो सही किया है कि नहीं किया है मैंने 25, एक मिनट गलत हो गया क्या, बिल्कुल गलत हो गया ये, सॉरी गलत हो गया ये, 256 बटा 2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 256 बटा 2
128 128 होगा क्या, क्योंकि 25 दुना 50 और बिल्कुल 128 होगा, तो 130 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना। देखो 130 गुना 2 हो जाएगा 160, है ना, 128 आएगा। 128 को तुम गुना करो 2 से तो 256 आ जाएगा, मतलब 256 को 2 से भाग दोगे तो 128 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बेटा। तो ये आंसर आ गया, तो तुम्हें कंसेप्ट समझना था, मेन ये बात लिखना आ जाएगा, फिर समाकलन करके तुम आंसर निकाल लोगे। तो पॉज करके बहुत अच्छे से दोनों सवाल का सॉल्यूशन लिख लो, एक सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन ये है और ये है। चाहो तो बीच में पॉज कर लेना, जब ये सवाल हमने खत्म किया था वो लिख लेना, फिर ये सवाल कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, यदि टी बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर है तो त्वरण बताएं वेग के फलन में। तो देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा समय बराबर टी बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, तो त्वरण बताएं वेग के फलन में। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें त्वरण और वेग लेके आना है, तुम्हें त्वरण निकालना है, लेकिन किसके फलन में निकालना है, वेग के फलन में निकालना है। तो ये आईआईटी 2015 का पूछा हुआ सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको अवकलन कर दो टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो टी का सापेक्ष टी के साथ अवकलन हो जाएगा 1, टी का अवकलन टी वो टी के सापेक्ष हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अल्फा बाहर है ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई dt प्लस बीटा बाहर है ये हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt, किसके साथ अवकलन कर रहे हैं, समय के सापेक्ष। dx बाई dt हो जाएगा तुम्हारा वेग, ये भी हो जाएगा वेग, तो वेग कॉमन निकाल लोगे, ये होगा अल्फा प्लस 2 बीटा x, इसको नीचे ले आना, तो ये v बराबर 1 प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 2 बीटा x आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया तुम्हें, क्या किया देख, यहाँ v बाहर आएगा तो अल्फा प्लस 2 बीटा x होगा, उसको नीचे ले आया, तो v बराबर होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा x। अब तुम्हें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, तो त्वरण बराबर होता है v इंटू dv बाई dx, और यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे v किसके संबंध में आ गया, x के संबंध में। अब ये 1 बटा समथिंग है, तो भाग का अवकलन का नियम लगा दो, भाग के अवकलन का नियम होता है कि ऊपर वाले को अवकलन करो पहले, तो dv बाई dx अपने को निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये रहा तुम्हारा v, इसका अवकलन करोगे तो एक का अवकलन क्या होगा, 0, तो ये 0 में कुछ भी लिखने का कोई मतलब नहीं, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखोगे 1 को, अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को अवकलन करो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का अवकलन करोगे ऊपर लिखोगे, तो अल्फा का अवकलन 0 नियत है, 2 बीटा बाहर रहेगा, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, यहां पे लिखा है अल्फा तथा बीटा क्या है आपका नियत है, अल्फा तथा बीटा क्या नियत है। तो समझना है यहाँ पे ध्यान से कि ये जो अल्फा है वो नियत है, तो उसका अवकलन 0, 2 बीटा नियत है बाहर आएगा, एक्स का अवकलन 1 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 2 बीटा आएगा बस, बटा जो नीचे था उसका स्क्वायर कर दो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर। समझना है यहाँ पे ढंग से, ये डीवी बाई डी एक्स निकाला अपन ने, तो ए बराबर क्या होता है, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू क्या है, 1 बटा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, और तुम्हारा डीवी बाई डी एक्स क्या है, माइनस 2 बीटा बटा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का घात 2, यह अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स और यह अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का घात 2, तो यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2 बीटा, बाहर लिख लो इसको, ऐसे लिख लो माइनस 2 बीटा बाहर लिख लो, यहां पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का घात क्या आ गया, 3, 2 और 1 3, यहां पे घात 1 था ना भाई, गुना था, यह घात 1 था, ठीक है ना। लेकिन ये बेग के फलन में चाहिए, तो एक बात समझना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को क्या कह सकते हैं, बेग, देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स एग्जैक्टली क्या होगा, बेग, तो तुम a बराबर लिख सकते हो माइनस 2 बीटा v का पावर 3, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, a बराबर माइनस 2 बीटा v का पावर 3, क्लियर है क्या ये बात। अच्छा फिर से समझाता हूं, चिंता नहीं करना, ये सवाल आई टी का है तो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा बेटा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, मेरी बात सुनो, टी बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब मुझे किसी तरीके से त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है, तो त्वरण एक्स है टी है तो अवकलन करके ही आएगा, अभी तक जो सवाल किया था एक्स के फॉर्मूले में टी था, लेकिन यहाँ पे टी के फॉर्मूले में एक्स है, तो घबराना नहीं है, इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डी टी बाई डी टी 1 होगा, ये अल्फा बाहर, डी एक्स बाई डी टी तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा, देखो डी एक्स बाई डी टी, और ये एक्स स्क्वायर का अवकलन टी के साथ करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ करो तो 2x और फिर इंटू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, तो ये रहा तेरा, ये मैंने अवकलन में सिखाया है। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी टी को वी लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी को वी लिख, वी बाहर आएगा, ये होगा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2, देखो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, डी एक्स बाई डी टी बाहर होगा वो वी हो गया, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को नीचे ले आओगे तो वी बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। अब देखना ये डिवीजन के टर्म्स में आए हैं, एक बटा समथिंग है, एक बटा
समथिंग है। जब इसका अवकलन करोगे, अवकलन करोगे क्यों, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वी इंटू डीवी बाई डीएक्स, तो v तो डायरेक्ट तुम्हारा ये रहा, लेकिन dv by dx निकालने के लिए v का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो भाग का नियम से अवकलन करो, ये देखना ध्यान से, ऊपर में 1, नीचे में अल्फा प्लस 2 बीटा x, 1 का अवकलन 0, माइनस 1 ऊपर वाला फिर नीचे वाले का अवकलन करोगे, तो अल्फा प्लस 2 बीटा x का अवकलन करो तो अल्फा नहीं है तब कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, अल्फा नहीं है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, 2 बीटा बाहर होगा, x का अवकलन 1 आएगा। तो देखो ये 2 बीटा, और माइनस सूत्र में आता है, भाग का नियम लगाते हैं, अवकलन के भाग का नियम लगाते हैं, तो माइनस सूत्र में आता है, तो ये बचेगा 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, जो नीचे होता है इसका स्क्वायर कर देते हो का होल स्क्वायर। अब मेरा dv by dx का वैल्यू आ चुका है, v का वैल्यू पता है, यहां पुट करेंगे v और dv by dx, ये रहा तेरा v 1 upon अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 बीटा बाहर लिख दिया बेटा, 1 upon this, 1 upon this होगा 1 upon अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का क्यूब, और 1 upon अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 upon अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को लिख सकते हैं v, तो ये आ गया तेरा v, तो a बराबर आ गया माइनस 2 बीटा v क्यूब। अब मेरी बात सुन, ये है तेरा सवाल, तुम्हें मुश्किल हुआ कि नहीं, बिल्कुल आईआईटी का सवाल है, आईआईटी चेक कर लेना, ये आईआईटी 15 या 16 का सवाल है, चेक कर लेना, तुम्हें मुश्किल हुआ सॉल्व करना, थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस रखो, सीख लो, ये एक ऐसे सवाल में चुटकी बजाते ही सही ऑप्शन देखना सिखा दूंगा। मैंने अभी तक मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे होंगे, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ये सवाल उनको कराया, उनसे मैंने ऐसे सिखाया उनको ये सवाल, कि वो सवाल पढ़ेगा, चार ऑप्शन बोलेगा, बिना कैलकुलेशन के एक लाइन का कैलकुलेशन नहीं करेगा और सही ऑप्शन पे टिक कर देगा। सर कैसे, वो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, उसमें थोड़ा सा बीमा विश्लेषण आना चाहिए, अभी तक आपने बीमा विश्लेषण नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे, अभी थोड़े से दूरी पे बैठे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, जब हम मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा, उस समय मैं तुम्हें ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा कि बड़े बड़े सवाल, डेढ़ पेज का सवाल एक एक लाइन में सॉल्व करना सिखा दूंगा, और ये सारी चीज़ कैसे होता है, बुद्धि से, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, तुम सीख जाओगे, घबराने की बात नहीं है, सीख जाओगे, मेरी गारंटी, मैं सिखा दूंगा ये सवाल, बिल्कुल ये सवाल, ये पूरा जो यहां से यहां तक बोर्ड भरा हुआ है, सीधा ये सवाल का सॉल्यूशन एक लाइन में सीधा आंसर देख के टिक कर दोगे तुम, ऐसा होता है, मैं करके दिखा दूंगा, अभी तो पढ़ना शुरू किया भाई, अभी पढ़ना बाकी है, अभी समझ में आया कि नहीं, पॉज करके लिख लो, और ये बस लिखने के ही काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, लिख लो, तरीके और भी सिखाऊंगा, पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है, आगे देखो, मान लो a बराबर दिया हुआ है 2x का पावर, नहीं x का पावर 5 बाई टू दिया हुआ, a बराबर x का पावर 5 बाई टू, तो x नॉट पर वेग बताएं यदि प्रारंभिक वेग u नॉट है, प्रारंभिक वेग u नॉट है x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे प्रारंभिक वेग u नॉट है, मेरी बात सुनना ध्यान से, a बराबर दिया हुआ, a क्या है, त्वरण, त्वरण नियत है या परिवर्तित है, तो ध्यान से सुनना, त्वरण x पे निर्भर कर रहा है, मतलब त्वरण परिवर्तित है, तो यहां पे सिंपल a को मैं dv by dt इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाई टू ए को लिख सकता हूँ डीवी बाई डीटी, लेकिन ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, है तो सही लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही सूत्र में टाइम भी है, स्थिति भी है, वेग भी है, तो किसके साथ किसका समाकलन अवकलन करोगे बेटा, हो ही नहीं पाएगा, इससे पहले भी हमने किया था, ए को डीवी बाई डीटी लिखा था लेकिन वहां पे ए के फलन में टी था, यहां पे ए के फलन में एक्स है, ये कैसे होगा सॉल्व, सुनना, ए को वी इंटू डीवी बाई डीएक्स लिख लो, ए सॉरी a को त्वरण को v इंटू डीवी बाई डी एक्स लिख लो, इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाई टू, हो गया काम खत्म, ये हो जाएगा तेरा v इंटू डीवी इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाई टू इंटू डी एक्स, इधर समाकलन x का प्रारंभिक x 0 था, उस क्षण पर वेग u नॉट था, अंतिम x x नॉट है, जब आपको वेग निकालने देखो यहाँ पे x नॉट पे, और अंतिम वेग तेरा कुछ vf हो जाएगा, तो v इंटू डीवी का समाकलन करोगे तो बेटा ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट रखोगे u नॉट, अपर लिमिट रखोगे यू एफ इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 बाई टू का समाकलन करोगे तो x टू दी पावर ये हो जाएगा 7 बाई टू, कैसे, तो 5 बाई टू प्लस 1 पावर बढ़ता है बटा 7 बाई टू, यही तो होगा भाई, बिल्कुल सही है, अब सुनना ढंग से, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई टू बाहर निकालो, अच्छा इसका लोअर लिमिट क्या होगा, 0, अपर लिमिट x नॉट, तो सीधा ही अपर लिमिट x नॉट रख दो, क्योंकि लोअर लिमिट 0 रखोगे 0 ही आ जाएगा, अब ध्यान से देखे एक लाइन सॉल्व कर लो, यू एफ का होल स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, यू एफ का होल स्क्वायर माइनस यू नॉट का होल स्क्वायर, ये दो को इधर ले जाओ, और ये बटा के भी नीचे है दो, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दो यहाँ आएगा, दो यहाँ आएगा, तो चार,
बटा सात एक्स नॉट का पावर सेवन बाई टू, यू नॉट का होल स्क्वायर उधर जाएगा, तो वी एफ का होल स्क्वायर जो फाइनल वेलोसिटी आएगा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस चार बटा सात एक्स नॉट का पावर सेवन बाई टू, यह आएगा आपका जवाब, यह आएगा आपका जवाब। यहां पे क्या किया अपन ने, तो सबसे पहले ये गलती हम कर सकते हैं कि a को dv by dt लिख सकते हैं, ये आपको नहीं करना। तो अभी जब सॉल्यूशन लिखोगे ना तो इसको लिख लेना एक बार कि जब हल हमने किया तो ये लिख लिया, लेकिन ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि a x का फलन है, और इसको लिखना और काटना और लिखना कि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही गलती आप बार बार करोगे, ठीक है ना। तो पहली बात ये आपको लिख के काटना है। दूसरी बात, कई बार बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, दोनों गलती तुम्हें लिखना है, बच्चे ये भी कर देते हैं कि सर हम जानते हैं वी एफ का होल स्क्वायर माइनस यू एफ का होल स्क्वायर बराबर टू एक्स होता है। अब a की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस टू a की वैल्यू x का पावर 5 by 2 है, तो a की वैल्यू x का पावर 5 by 2 into x लिख देते हैं। ये भी गलत है। अब इसका गलत होने का कारण क्या है वो आप लिख देता हूं मैं। इसके गलत होने का कारण है कि नियत त्वरण के लिए वैध है, ये नियत त्वरण के लिए ही वैध है। क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ नियत त्वरण के लिए वैध होता है, और यहां पे ढंग से देखेंगे तो त्वरण x पे निर्भर कर रहा है, मतलब त्वरण कैसा है परिवर्तित, मतलब यहां पे काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा रुक के पेशेंस रख के सीखना। यहां पे बच्चे दो तरीके से गलती करते हैं। पहला गलती क्या करते हैं कि वो लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2x, ये हुआ अंतिम वेग क्योंकि 9वीं क्लास से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हुआ अंतिम वेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग, 2 into a के जगह पे रख देते हैं x का पावर 5 by 2 into x से गुणा कर देते हैं और कहते हैं कि साहब ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मैं काट रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम्हें ये नहीं लिख रहा, तुम्हें लिखना है, तुम्हें ये काटना है और फिर ये लिखना है कि ये है गति का समीकरण जो सिर्फ नियत त्वरण के लिए वैध है, सवाल में त्वरण परिवर्तित है इसलिए नहीं लगेगा। लिखना है तुम्हें ये, क्योंकि यही गलती बार बार तुम करते हो, ये लिखना है तुम्हें। दूसरी बात, a को dv by dt लिखते हैं वो भी गलत है। दो गलती देखो, सही पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गलत पढ़ना। हाँ बिल्कुल, गलत पढ़ोगे ना तो तुम्हें सही ज्यादा चमकेगा। अगर मान लो मैं यही पढ़ा के चला जाता तो अरे यार कितना गणित बता दिया मास्टर ने, अब मैं तुम्हें ये सवाल दो तरीके से गलत करके दिखाऊंगा ना तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ऐसे गलती हो सकता है, फिर सही करूंगा ना तुम्हें लगेगा हाँ अब चमकेगा कि ऐसा ही क्यों किया है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सही सही कर दूं तो तुम्हें लगा ये करना होता है बस। लेकिन अगर मैं गलत करूं तो तुम्हें लगा नहीं ये ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ऐसा करना क्यों गलत हो जाएगा, इसीलिए ये किया गया होगा। तो गलत के सापेक्ष ही सही ज्यादा चमकता है। मान ले मैं ऐसा हूं जैसा भी हूं, अब मुझे गोरा बोलेगा कि काला बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एक बहुत काला आदमी खड़ा हो तो मुझे गोरा बोल सकता है, या बहुत गोरा आदमी खड़ा हो तो मुझे बोलेगा यार ये तो सर काले हैं। तो हर चीज रिस्पेक्टिव होता है। ज्यादा कब कोई चीज चमकता है? जब हम तुलना करते हैं। तो सही चीजें हमेशा पढ़ते रहोगे उसका कोई मतलब नहीं है। जब क्लास में भी तो थोड़े दूर हो, ज्यादा गलत पढ़ाऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो आधी सी चीजें गलत पढ़ाता हूं, मैं आधी से ज्यादा चीजें मैं गलत पढ़ाता हूं, एमआर नाम है मेरा, आधी से ज्यादा चीजें मैं गलत पढ़ाता हूँ। क्यों गलत पढ़ाता हूँ? क्योंकि पहले तुम गलत पढ़ो तब जाके तुम्हें सही बताता हूँ ना, तुम्हें लगता है अरे यार ये बात सही है। तो वो बात सही है, वो चमकेगा। कोई भी चीज ज्यादा तभी चमकता है, देखो कोई व्हाइट पेपर रख दो तो व्हाइट पेपर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, लेकिन काले बैकग्राउंड पे व्हाइट रखोगे तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल समझ रहा, ये व्हाइट रखा कितना ईमानदारी से चमक रहा है बताओ, मजा बहुत मजा नहीं आएगा। लेकिन एक काले बैकग्राउंड पे व्हाइट रखूंगा तो तुम्हें अलग से ही चमकेगा, समझ जाएगा। तो गलत के सापेक्ष सही ज्यादा चमकता है, तो इसलिए पहले मैंने तुम्हें गलत पढ़ा। अब सुनो, a को क्या लिखा? v into dv by dx। अब तो देखो यहां पे v और x है तो dx को इधर चला ले गया क्योंकि x का समाकलन dx ही करा सकता है। अब यहां पे सवाल के अकॉर्डिंग प्रारंभिक वेग उसका u नॉट था x = 0 पे, तो x को यहां पे मैंने रखा 0 तो यहां पे वेग रखा u नॉट, और अंतिम x नॉट यहां पे रखा तो यहां पे वेग रखा हमने ये vf। v into dv का समाकलन हो जाएगा, v का घात 1 है तो v का घात 2 बटा 2, देखो v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट u नॉट अपर लिमिट vf, और ये x का पावर 5 बाय 2 है तो x का पावर 7 बाय 2 बटा 7 बाय 2। vf का होल स्क्वायर माइनस u नॉट का होल स्क्वायर, यहां पे लिमिट रख दिया, ये बटा 2 था उसको उधर ले गया, ये आंसर आ गया। तो समझ आ गया बेटा, पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए।